रमजान 2024 चुनाव एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों के साथ आप सभी दर्शकों का। मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारी टीम मौजूद है ब्लू सिटी में। जानेंगे कि ब्लू सिटी में किसको जनता दिखाने जा रही है हरी झंडी और किसकी ट्रेन लाल झंडी के जरिए रोकने जा रही है। हम मौजूद हैं सन सिटी में, देखते हैं जानेंगे कि आखिर किसका सूर्य उदय होने जा रहा है और किसका सूर्य होगा। बस हम बताने जा रहे हैं कि आज हम कहां मौजूद हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक पहचाना, ब्लू सिटी और सन सिटी की अगर बात होती है तो हम मौजूद हैं राजस्थान के एक बड़े महानगर शहर जोधपुर में। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार बहुत बहुत स्वागत है, जनता जनार्दन हमारे साथ यहां पर मौजूद है। जानेंगे क्या कुछ यहां पर मौजूदा सांसद की तरफ से किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री दो बार के सांसद बीजेपी से गजेंद्र सिंह शेखावत यहां चुनाव मैदान में है, तो उनके खिलाफ कांग्रेस से मुख्य लड़ाई मानी जा रही है। करण सिंह उचियारड़ा जो कि कांग्रेस के इस बार के प्रत्याशी हैं। मेहमानों का आपको परिचय कराता हूं एक एक करके। बीजेपी से महेंद्र झाबक जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ बीजेपी नेता। जोरदार तालियों के साथ महेंद्र झाबक जी का स्वागत, और साथ ही साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत हरेंद्र सिंह राठौर, मीडिया कोऑर्डिनेटर। तालियों की गड़गड़ाहट मेरे को लगातार, मुझे उम्मीद है कि सुनाई देगी। कमल शिमाली साहब चुनाव विश्लेषक के तौर पर अपना एक नजरिया यहां पर रखेंगे, चूंकि आज जैसा न्यूज 18 ने लगातार खबरों के जरिए दिखाया कि किस तरह से दूसरे दौर की सीटों के लिए चुनाव प्रचार हो रहा है, कांग्रेस के दिग्गज चुनाव मैदान में, लेकिन जोधपुर में बुलडोजर बॉय जिनकी बुलडोजर बाबा के तौर पर पहचान है, मुस्कुराहट चेहरे पर कांग्रेस के हमारे मेहमान के आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ रोड शो में दिखाई दिए, भारी भीड़ दिखाई दी, गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में उन्होंने यहां पर प्रचार किया। क्या लग रहा है, वोटों में वो तब्दील होगी भीड़? बिल्कुल नहीं, रोड शो का मतलब हम ये समझते हैं कि वो रोड पर चलेंगे, लेकिन 300-400 मीटर का रोड शो करके ये सिर्फ मीडिया में इवेंट है। योगी जी आए उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस पर्पज क्यों आए, वो आखिर वो आए हैं, गजेंद्र सिंह जी की स्थिति डामाडोल है, वो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, उन्होंने हार मान ली है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने पोखरण में कहा है कि मेरे कार्यकर्ता ही मेरे साथ भीतरघात कर रहे हैं। ऐसा कहा है क्या गजेंद्र सिंह शेखावत ने, हार मान ली है क्या? ऐसा कभी नहीं कहा, और ये हार जीत का प्रश्न नहीं है, इस बार अंतर कितना होगा उसका प्रश्न है। जीत तो चुके हैं, पूरा मीडिया पूरा हिंदुस्तान ये बोल चुका है कि गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अंतर कितना होगा, अंतर पिछली बार से कितना ज्यादा होगा, इसकी लड़ाई। गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बात और कही है, वो याद कर रहे हैं वैभव गहलोत को वो याद कर रहे हैं जो कि पिछली बार यहां पर उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे। वो कह रहे हैं कि बताइए जोधपुर छोड़कर जालौर सिरोही की सीट पर चुनाव लड़ने चले गए, और वहां की जनता से अपील कर रहे हैं कि इनको वापस घर भेज दीजिएगा, ज्यादा परेशान मत करिएगा, मतलब उनको हरा के भी भेज दीजिएगा। याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत वैभव गहलोत को? बिल्कुल। तो फिर मोदी जी गुजरात छोड़कर के उत्तर प्रदेश क्यों गए? मोदी जी गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश क्यों गए, इसका जवाब दे। इसी तरह से जिस तरह से राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड गए, तो एक ही बात है, भारत का नागरिक कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, जहां उसकी इच्छा हो वहां चुनाव लड़ सकता है, ये हमारे संविधान में है। भारतीय संविधान में हर नागरिक को भारत देश में कहीं भी चुनाव लड़ने की आजादी है। इसलिए वैभव गहलोत ने जालौर को अपना संसदीय चुनाव सुना। वैभव गहलोत को क्यों याद कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत? क्या करण सिंह उचियारड़ा ज्यादा चुनौती पेश कर रहे हैं, इसलिए उनको वैभव गहलोत की याद आ रही? पौने 2 लाख से पिछली बार जीते थे वो। कोई वैभव गहलोत नहीं, कोई करण सिंह जी नहीं, या एक ही नाम जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है। पूरा पूरी जनता गजेंद्र सिंह जी को स्वीकार कर चुकी है, और जहां तक मेरे भाई साहब ने बताया कि मोदी जी वहां गुजरात से उत्तर प्रदेश क्यों गए, अरे मोदी जी तो अभी भारत का सिंबल बन चुके हैं, भारत का प्रतीक बन चुके हैं, भारत की राष्ट्रवाद का प्रतीक बन चुके हैं, भारत की विकास का प्रतीक बन चुके हैं, भारत के अंत्योदय का प्रतीक बन चुके हैं। राष्ट्रवाद की बात हमेशा बीजेपी की तरफ से कर रही है, राष्ट्रवाद का प्रतीक बन चुके हैं। जितनी आदर्श की बातें की है बीजेपी ने, वो सारा आदर्शवाद समाप्त हो गया। जिन नेताओं को उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा, उन सभी भ्रष्टाचारी नेताओं को भाजपा में शामिल करके उन्होंने तय कर दिया कि राष्ट्रवाद का उनका नारा खोखला है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। क्या नरेंद्र मोदी जी ने 2014 और 2019 में जो वादे किए, अगर मेरे भाजपा के साथी 2014 के नरेंद्र मोदी जी के भाषणों को याद कर लें, तो आज वो बोलने की स्थिति में नहीं है, वो अपने किसी वादे पर नहीं। एक भी ऐसा वादा नहीं है जो हमने पूरा नहीं किया, हर वादा हमने पूरा किया है। आज देखो आज देश कहां से कहां पहुंच रहा है, आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था में खड़ा हो गया है, जो 11वीं अर्थव्यवस्था में था, और अब 3री अर्थव्यवस्था में।
आप बताइए क्या काला धन लाने वाले काला धन ले आए? आया काला धन आया, काला धन आ रहा। कितनी रेड्स हो रही है, कितनी सीजर्स हो रही है, कितनी धाड़ पड़ रही है, आप देख नहीं ले कितना काला धन आ रहा है। स्विस बैंक से लाने वाला काला धन, आप तो काले धन की बात कर रहे जो स्विस बैंक से ला रहे थे। आप 100 दिन का समय मांगा था, आपने काला धन SBI बैंक में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से भारत से और काला धन स्विस बैंक से ज्यादा इकट्ठा किया है, और आप ED इनकम टैक्स और CBI के माध्यम से हिंदुस्तान में काला धन की उगाही गोरे धन के रूप में कर रहे हैं, काला धन को गोरा कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से जो पारदर्शिता आई है उन्हीं लोगों में, जिन लोगों ने काला धन जमा किया था स्विस बैंकों से आके हिंदुस्तान में, वो पैसा आया और उस पैसे को रेड किया जा रहा है, उस पैसे को वापस बैंकों में जमा किया जा रहा है। लोगों से बात करता हूँ, सीधा आकर लोगों से बात कर, जल्दी बोलिए जी। ये बात करते हैं कि हमने सारे वादे पूरे किए, मैं पूछना चाहती हूँ महिला होने के नाते क्या आपने महिलाओं की रक्षा के लिए क्या किया है? मणिपुर जल रहा है, वहाँ पे महिलाओं के लिए एक बार भी जाके बोले हैं क्या? और जो ताल कटोरा में हमारी महिला खिलाड़ी बैठे उनके लिए क्या किया इन्होंने? सर ना तो 15 लाख वापस आए, ना गैस सिलेंडर के दाम कम हुए। मोदी कौन सी बात कर रहे हैं? महिला का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बोलिए भाई साहब। राजस्थान के अंदर पहला मिनिस्टर है जो दिल्ली में बैठा है, जोधपुर के क्षेत्र के अंदर एक पानी का नल भी नहीं लगा सका, जोधपुर के भी लोकसभा क्षेत्र में जनता को प्यासी मार के बोलता है मेरे घर के दरवाजे खुले तो 10 साल बंद क्यों थे भाई, जवाब दो। ये झूठ और जुमलों की सरकार है, ये टोटली झूठ बोल बोल कर सियासत में चढ़े हुए हैं। ऐसे लोगों को इस बार जनता नकार देगी, आप देखिएगा ये चुनाव इस बार परिणाम देगा और इनको मजे चखाएगा। बोलिए मैडम। मैं कहना चाहूंगी कि जैसा BJP कहती है पिछले 25 सालों से गुजरात में BJP की सरकार है और 10 सालों से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वहां पे लॉ यूनिवर्सिटी में जो महिलाओं के साथ जो इस तरह के व्यवहार हो रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या बात हो? महिला सुरक्षा की बात की जा रही है, महंगाई की बात की जा रही है, महंगाई की बात, महिला सुरक्षा की बात और साथ ही साथ पानी की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे उनके गृह जिले में उनके विधानसभा में महिलाओं के साथ अत्याचार हुए, दुराचार हुए और अशोक गहलोत तो कुछ भी नहीं किया, और ये महिला की बात कर रहे हैं कि या वहाँ की बात है या राजस्थान की बात नहीं करते? महिलाओं को जो इज्जत घर दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अशोक गहलोत के राज में सिर्फ करप्शन, भ्रष्टाचार, चोरी और अर्थव्यवस्था का मुंह दिखाने लायक नारा है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने जोधपुर का भट्टा बिठा दिया इसलिए उन्होंने जालौर जाना पड़ा, जोधपुर वालों ने भगा दिया तब जा करके वो जालौर गए। देखो ये पानी की बातें कर रहे हैं ना, इनको पूछो जो इनके मंत्री थे महेश जोशी जी, उनको टिकट क्यों नहीं दिया? उनको टिकट क्यों नहीं दिया? 29,000 करोड़ रुपया केंद्र से गजेंद्र सिंह जी ने जारी किया। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से ये जानना चाहता हूँ कि उन्होंने जोधपुर जीवन भर राजनीति में जोधपुर की जनता ने उनका साथ दिया और वो आज यहाँ से छोड़ के चले गए, और एक मैं कहना चाहूंगा भजन लाल जी की सरकार ने पेपर लीक में 65 लोगों को जेल में डाला हुआ है। ये एक राष्ट्रवादी सरकार है, विदेशों में इसकी धाक जमी है, और मोदी सरकार, मोदी ने 370 हटाई है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया है, और ये हम महिला नारी शक्ति वंदन, जो महिलाओं के लिए आरक्षण केंद्र में, आरक्षण महिलाओं के लिए, नारी सम्मान महिलाओं के लिए, महिलाओं के खाते में सीधे पैसे, इतने सारे काम मोदी जी ने किए। ये 3 तलाक वाला भी भारतीय जनता पार्टी की देन है, और ये जैसे अभी महिला आरक्षण वाला भी। अशोक गहलोत के पुत्र को हराकर दूसरी बार बने और तीसरी बार वापस बनेंगे और BJP की बहुमत से सरकार। क्या बोल रहे हैं? इलेक्शन आते हैं डीजल के और पेट्रोल के भाव कम हो जाते हैं जब इलेक्शन आते थे, और उसके बाद वापस बढ़ा देते हैं, ऐसी तो ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात कहते हैं, और जितने भी भ्रष्टाचारी थे चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे UP में हो, चाहे राजस्थान में, इनको सबने BJP में क्यों लिया? विधानसभा में जो घोषणा पत्र था इन्होंने कुछ भी पूरा नहीं की, एक भी पूरा नहीं की, सब झूठी बात है इनकी। और CBI ED ने जो CBI ED चल रहे हैं ना, इन्होंने फर्जीवाड़ा कर रखा है। बोलिए 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 सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों के लिए यूज में डेली आने वाली वस्तु है पेन, कॉपी, सीसा, पेंसिल, रबड़ और किताबें, और कोचिंग फीस
और कॉलेज फीस में 18% जी 18% जी एलिवेटेड रोड जोधपुर में 18% जीएसटी क्यों एलिवेटेड रोड जोधपुर के अंदर स्थानीय मुद्दा है इसको उठाओ आप बोलिए मैडम मोदी जी 15 लाख डला तो अच्छे दिन आ जाएंगे तो यहाँ पर कई सारी बातें उठी राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो गया बैठे रहिए आराम से यहाँ पर कई सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं चाहे राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो या फिर केंद्रीय मुद्दों की बात हो या स्थानीय मुद्दों की बात हो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बतौर पिछले कार्यकाल में यहाँ जोधपुर के लिए क्या किया सवाल बीजेपी से भी करूंगा अशोक गहलोत ने राजस्थान के जो किया है वो भूतों ने जोधपुर के लिए क्या किया है जोधपुर में आज आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए पूरे भारत में ऐसा कोई शहर बता दीजिए जो इतनी संस्थाएं जोधपुर में जितनी किसी भी भारत में जोधपुर के लिए सारी संस्थाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेकर आए हैं बीजेपी के सांसद ने बीजेपी की केंद्र सरकार ने क्या किया जोधपुर के लिए गजेंद्र सिंह जी ने इतने काम जोधपुर के लिए किए हैं कि आपका टीवी का शो का समय खत्म हो जाएगा अगर मैं उस लिस्ट को चालू करूं 25,000 करोड़ रुपए सिर्फ जल के लिए जल शक्ति मंत्री ने राजस्थान सरकार को मुख्यमंत्री जी को तो कह रहे हैं कि एक नल भी नहीं लगाया पानी का वो कह रहे हैं कि एक नल भी नहीं लगाया गया पानी का कांग्रेस सरकार ने सिर्फ 6,000 करोड़ का खर्च किया 25,000 करोड़ में से अगर वो 25,000 करोड़ खर्च कर देते थे तो कहीं की पानी की समस्या पूरे राजस्थान में नहीं होती अमित शाह भी आज दौरे पर आए थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर बहुमत मिलता है तो इमरजेंसी लगाती है बीजेपी को बहुमत मिलता है तो 370 हटाती है अब अमित शाह की मर्जी है वो क्या कहते हैं लेकिन उनकी इस भाषा से ये पता चलता है कि पूरी तरह से वो बौखला गए हैं इंडिया गठबंधन भारत में 4 जून के बाद सरकार बनाने जा रही है इंडिया गठबंधन भारत में 4 जून को सरकार बनाने जा रही है आप तो कह रहे हो 4 जून 400 पार ये कह रहे हैं 4 जून को हमारी सरकार 400 पार मैं नहीं कह रहा हूँ ये पूरी जनता कह रही है पूरा हिंदुस्तान कह रहा है पूरा विश्व कह रहा है अब ये कह रहे हैं कि 4 जून को हमारी सरकार फिर उसका भी तो जवाब दीजिए ना जवाब यही मैं दे रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान ने मन बना लिया है ये 400 पार गली गली कूचे कूचे में 400 पार आप 543 कहिए ना 543 पे चुनाव हो रहा भारत में ये तो आपकी मर्जी है आप कितनी पार कहिए मैं तो समझता हूँ तेल और घी और पेट्रोल के दाम 400 पार पहुंचेंगे 400 पार क्या अरे भाई हमें तो लोकतंत्र में सरकार जब चुनाव होता है तो उसे बहुमत का आंकड़ा पार करना जरूरी होता है आप 543 की बात कांग्रेस के कुल इन 543 सीटों में प्रत्याशी कितने मैदान में है बताइए कांग्रेस ने अभी तक 300 से ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बाकी उनके गठबंधन में हम लड़ रहे हैं 4 जून को 400 पार या 4 जून को कांग्रेस की सरकार बताइए ये जब कुल मिलाकर कांग्रेस सीट ही 200 पर लड़ रही कैसे ये बात कर रहे हैं इनको हौस ही नहीं बात क्या कर कहा है अशोक गहलोत जोधपुर की 35 साल जोधपुर को खून की अशोक गहलोत जी ने ये राम भक्त करण सिंह जब आपको राम भक्त बताता है इस बार 25 की 25 सीटें आएगी पूरे राजस्थान से और जिस तरह से मोदी जी ने 10 साल के अंदर जो विकास किया है अरे भैया इनको तो करण सिंह को बलि का बकरा बटे अशोक गहलोत को खुद को चुनाव लड़ने का क्यों अशोक गहलोत को खुद को यहाँ से चुनाव लड़ना था उन्होंने मना कर दिया करण सिंह उचियारा को बलि का बकरा बना दिया यहाँ पर अशोक गहलोत को कहा गया था चुनाव लड़ने के लिए ये इनकी सोच है करण सिंह उचियारा सबसे बढ़िया उम्मीदवार के रूप में आए और जिससे करण सिंह जी का जब से नाम डिक्लेयर हुआ है तब से भाजपा वालों के पेट में दर्द हो गया है आप गजेंद्र सिंह जी ने कभी भी जोधपुर में अपना बजट नहीं बताया मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी जो गजेंद्र सिंह जी ने एक बुकलेट जारी की आपने देखी होगी अगर उस बुकलेट में जोधपुर शहर की तीनों विधानसभाओं में एक भी काम बताइए वो कह रहे हैं वैभव जी तो कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी मेरा समर्थन करने ही नहीं आ रहे हैं सब जगह कह रहे हैं कि मेरा समर्थन करण सिंह उचियारा बोल रहे हैं कि मेरा समर्थन करने के लिए नहीं आ रहे हैं यहाँ पर अशोक गहलोत करण सिंह जी खुद अपने मुंह से कहते हैं कि उन्हें राजनीति में लाने वाले अशोक गहलोत है तो ये जिस तरीके के दावे और ये जिस तरीके के फूट डालने की राजनीति भाजपा करना चाहती है ये कांग्रेस में नहीं चलेगी देखिए ये टिकट अशोक गहलोत साहब ने ही दिलाया करण सिंह जी को पूरे मन से कहा है करण सिंह मेरा वैभव के बाद में दूसरा बेटा है अब पूर्व मुख्यमंत्री जी अमृत लाल स्टेडियम में जनसभा कर रहे हैं करण सिंह जी के पास दाल के भाव 400 पार चीनी के भाव 400 पार पेट्रोल के भाव 400 पार ये कह रहे हैं लोगों को गलत फिर से एक बार कांग्रेस सरकार कांग्रेस पार्टी
गजेंद्र कौन कह रहा है करण सिंह को बलि का बकरा बने, गजेंद्र सिंह को बनाया गया है, कोई कैंडिडेट भी नहीं है, बाहरी कैंडिडेट लाके जोधपुर में टेका है। एक तटस्थ और निष्पक्ष नजरिया जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, चूंकि कमल श्रीमाली चुनाव विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। स्थानीय मुद्दों से लेकर सर यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा हो रही है, अशोक गहलोत जी से लेकर करण सिंह उचियारड़ा, वैभव गहलोत और यहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत की बात हो रही है, कौन से मुद्दे हावी है, स्थानीय राष्ट्रीय? राष्ट्रीय मुद्दों का जहां तक है तो एक ही नाम, अरे सुनिएगा भाई सर को भी सुनिएगा, धारा 370 हटना, राम मंदिर बनना और ये वादे पूरे होना, इन मुद्दों का जो इम्पैक्ट है वो सामने नजर आ रहा है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत के फेवर में जो सबसे बड़ी बात है वो है नाम मोदी का और दूसरा संगठन, उसके अलावा कांग्रेस की बजाय अगर करण सिंह उचायडा है, उनका अपना अपना टीम वर्क है, उनके पास अपने कार्यकर्ताओं की फौज है, कांग्रेस के अलावा भी उनके पास वर्कर्स हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो घर घर जाकर डोर टू डोर लोगों से, मतदाताओं से कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे रेस्पॉन्स ले रहे हैं, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए पॉसिबल है ही नहीं, उनके लिए सिर्फ। तो यहाँ पर जोरदार तरीके से लोगों के बीच में चर्चाएं हो रही हैं, यहाँ पर मैडम के पास भी आना चाहूंगा, एक मिनट। ये अशोक गहलोत और ये कांग्रेस वाले जो रात के सपना देख रहे ना, इनके मौर्य बोल जाएंगे आपकी बार। जो राम को काल्पनिक बताने वाली पार्टी आज राम के गुणगान कर रही है, वो किस लिए कर रही है? राम के पोस्टर लगाए बड़े बड़े, इसने भी कह रहे राम है ही नहीं, राम काल्पनिक है, राम मंदिर इनके सपने। जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, उनको पूछो पेपर लीक किस पार्टी के राज में हुआ। राम मंदिर की ये लोग बात कर रहे हैं कि राम मंदिर का, राम का अस्तित्व इन्होंने नकार दिया, और पेपर लीक की भी बात कर रहे हैं। अरे बोलो भाई, मेरी बात सुनो, हेलो, एक मिनट बोल दो, आप बोलो ना। इस पोस्टर में इनके लिखा हो जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, मोदी जी कैसे लाएंगे, राम तो दिल में बसते हैं, भगवान दिल में बसते। हम पेपर लीक अभी भी हो रहे हैं गुजरात में, सब ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं गुजरात में हुए हैं, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पेपर लीक उत्तर प्रदेश गुजरात में हुआ है, उनका नाम नहीं लेते हैं, ये राजस्थान का नाम। ये यहाँ पर बार बार बात आ रही है कि राम के नारे भी यहाँ पर लगाए गए जा रहे हैं, बीजेपी किस तरफ से यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि राम के नाम का अस्तित्व यहाँ पर कांग्रेस ने नकार दिया। अब आप देखिए, ये मजाक का विषय है, राम किसी का अपना नहीं है, राम सबका है, हम राम के राम मेरा। अगर ये सर्टिफिकेट जारी करेंगे क्या वास्तविकताओं से ये दूर हट रहे हैं? आज राम के नाम पर मात्र वोट लेने के श्री राम का नारा लगा। राम के नाम पर आप सिर्फ वोट लेते हो और कुछ नहीं करते हो? राम के नाम पर हमने कभी वोट नहीं लिया, राम हमारी आस्था का प्रतीक है, भारत की आत्मा है, भारत का राष्ट्र का प्रतीक है। कह रहे राम किसी के अपने नहीं है, सबके हैं। हाँ, तो राष्ट्र का, हम भी कह रहे राष्ट्र का प्रतीक है, फिर ये क्यों कहते? नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे। बोलिए। एक तरफ राम काल्पनिक है भाई साहब, एक तरफ राम जो है कि मोदी है, एक तरफ राम मोदी है, दूसरी तरफ 10 रावण के चेहरे हैं, किसको सुनना है? राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण है, राम मोदी है। अशोक जी को 25 लोकसभा के अंदर उसको केवल एक की ही जरूरत है, अपने बेटे को बचाने के लिए, और वो अपने बेटे को बचाने के लिए जालौर के अंदर ही बैठे। कांग्रेस के मुंह से राम अच्छा नहीं लगता है, ये राम को ठुकराने वाले, राम को काल्पनिक बताने वाले लोग, इनके मुंह से राम अच्छा नहीं लगता है, और राम के जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह था उसको ठुकराया जाता है। जी एक मिनट, महिला शक्ति की तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मोदी जी ने ना सिर्फ सुरक्षा के लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, कोई भी फील्ड उठा लीजिए वहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया है, 33% आरक्षण देख लीजिए, क्वार्टर स्कीम देख लीजिए। ये कौन सा नारा गढ़ा है? जोधपुर के अंदर एक ही व्यक्ति जीता हुआ घोषित हो चुका है, और सामदावला ने अपनी छोरे उतार के रख दिया, उसके नाम है करण सिंह उचारिया। ना ईडी और सीबीआई की कार्य शुरू पे ना विपक्ष की पार्टी पर क्यों हो रही है? ईडी सीबीआई सबसे बड़ा विषय है, ईडी सीबीआई कितना बड़ा विषय है यहाँ पर? ये बहुत बड़ा विषय है, इन्होंने उगाही का जरिया बना लिया है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से आप उद्योगपतियों को, विपक्ष के नेताओं को डराओ धमकाओ उगाही करो, और ज्यादा है तो उनको जेल में डालो, बड़ा आरोप लगा दिया। अभी तो बहुत लोगों को छोड़ा हुआ है, ये चुनाव जीतने दीजिए, फिर देखें ईडी और सीबीआई कितने कांग्रेसियों को अंदर करती है। अरे मदन दिलावर जी तो ये कह चुके हैं कि गजेंद्र सिंह यहाँ पर अशोक गहलोत जी तक को लगाएंगे।
जो भी अपराधी है, जिन्होंने भी आर्थिक अपराध किया है, वो सब जेल जाएंगे। आप 10 साल में 2014 में आपने वादा किया था कि सारे अपराधी जेल में होंगे, आप 10 साल में कितने नेताओं को जेल में डाल पाए? टक्कर कांटे की है या फिर मुकाबला करीबी होगा? टक्कर कांटे की है, मुकाबला बहुत करीबी होगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया गजेंद्र सिंह के साथ सिर्फ उन मोदी का नाम पलड़ा बराबर का भारी, चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, लगातार यहाँ पर बदले की बात हो रही है। जोधपुर की जनता किसको चुनती है ये देखना बाकी हो। चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल आते ही, नमस्कार।